So today we will be discussing the second part of adsorption at solid interface. We have already covered the gas solid interface. Today we will be study about the solid liquid interface. सॉलिड लिक्विड इंटरफेस क्या होती है बच्चे? जब आपका लिक्विड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी आता है आपके सॉलिड मतलब सॉलिड सरफेस की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जब लिक्विड आएगा देन द इंटरफेस और द बाउंड्री बिटवीन दोज टू विल बी योर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस. इन योर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस योर इंटरैक्शन कैन बी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक इंटरैक्शन कब होगी? जब आपकी केमिकल इंटरैक्शन होगी बिटवीन द लिक्विड कंपोनेंट्स एंड द सॉलिड कंपोनेंट्स. नॉन स्पेसिफिक व्हेन ओनली फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस एंड नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस. सो टू मेजर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस द लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो हमने अपने लिक्विड्स के सॉरी गैसेस के केस में डिफाइन किया था. इन केस ऑफ गैसेस वी गॉट आर लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. अगर आपको याद हो हमें क्या इक्वेशन मिली थी? पी अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वाई एम बी प्लस पी अपॉन वाई एम. हेयर पी वॉज आर वेपर प्रेशर. दिस इक्वेशन वॉज फॉर गैस सॉलिड इंटरफेस. गैस सॉलिड इंटरफेस के लिए हमें ये इक्वेशन मिली थी. द सेम इक्वेशन गेट्स मॉडिफाइड फॉर योर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस वेयर योर पी गेट रिप्लेस्ड विद योर कंसेंट्रेशन. सी से आप रिप्लेस कर दोगे जब आप लैंगमियर इक्वेशन को यूज करोगे फॉर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस. तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी? सी अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वाई एम बी प्लस सी अपॉन वाई एम. सी हमारी क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन जो हमारा लिक्विड अटेन कर रहा है विद द सॉलिड सरफेस पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. एंड वाई इज योर अमाउंट ऑफ द लिक्विड जो एब्जॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ योर सॉलिड. दैट इज योर वाई. सो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन C upon Y, this particular thing, and C. You will get a straight line and you will get the information about the two constant. हमारे यहाँ पे दो constant है, एक B और एक है Y है. From the intercept and from the slope, you will get the value of these two things. ठीक है बच्चे? So same Langmuir adsorption isotherm को हम modify कर देते हैं for solid liquid interfaces where P get replaced with your concentration. So if we talk about the applications of your solid liquid interface, कहाँ कहाँ इसकी applications हैं? The first major application is it finds application as an antidote in poisoning. If accidentally you administer more amount of some drug to an individual, एक individual ने ज़्यादा amount, ज़्यादा dose of drug ले दी है, उसकी पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए वी कैन एडमिनिस्टर सम एंटीडोट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल. हम अगर उस इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर करते हैं जिसने ज़्यादा डोज ऑफ ड्रग्स लाइक टॉलब्यूटामाइड और एसीटोहेक्सामाइड और एसीटोअमीनोफेन ले ली है, उनमें क्या होगा? Once you administer this activated charcoal, it will adsorb the solubilized drug. ये वाली drug जो मेरी lumen में solubilized हो गई थी, उसको वो adsorb कर लेगा अपने आप में. So now, patient ने drug accidentally administer कर ली थी, वो drug उसके lumen में पड़ी थी, उसने absorb होना था into your bloodstream. Because I have administered an antidote in the form of activated charcoal that has absorbed that solubilized drug from your lumen, अब वो drug lesser amount में आपके lumen में present होगी and it will not get absorbed. एक बार absorb नहीं होगी तो उस drug की toxicity नहीं होगी किसी individual. Next application is it finds application in purification and reduction in toxicity. How? Sometimes what happen कि आपकी जो GIT है, आपकी जो GIT के टिश्यू है वहां पे ड्रग आपकी accumulate हो जाती है, absorb हो जाती है. From that tissue, your drug can move back to your lumen.
ठीक है, आपके टिश्यू में नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, ल्यूमिन से ड्रग आपकी टिश्यू में जाती है, जीआईटी टिश्यू में, जीआईटी टिश्यू से वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ठीक है। इन सम केसेस कई बार क्या होता है, योर ड्रग इज प्रेजेंट इन योर जीआईटी टिश्यू एंड इफ यू हैव एडमिनिस्टर्ड सम एक्टिवेटेड चारकोल और समथिंग लाइक दिस जो एब्जॉर्ब कर सकता है ड्रग्स को, उसकी प्रेजेंस में वो ड्रग आपके जीआईटी टिश्यू को छोड़ के वापस ल्यूमन में आ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, जो आपकी ड्रग आपकी यू नो टिश्यू से वापस ल्यूमन में आ रही है। ल्यूमन में आते ही इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन दैट एब्जॉर्बेंट जो आपने एडमिनिस्टर किया है इंडिविजुअल को। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायलिसिस। वाई, कई बार क्या होता है कि आपका टिश्यू से एब्जॉर्ब होके ड्रग आगे ब्लड स्ट्रीम में चली गई है। नाउ द ड्रग इज प्रेजेंट इन योर ब्लड स्ट्रीम। Once you administer that activated charcoal to that individual, तो जो आपका ये normal flow था ये reverse हो जाता है, आपकी blood stream से वापस tissue में आ जाती है drug और वहाँ से वापस lumen में जहाँ उसको वो adsorbent मिल जाता है, जहाँ पर वो जाके absorb हो सकती है। This backward process is called your gastrointestinal dialysis. कई बार कुछ ड्रग्स के एक्शन को स्टॉप करने के लिए वी यूज दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन, जहाँ पे अब्जॉर्ब ड्रग भी हमारी वापस ल्यूमन में आके उसको हम रिमूव आउट कर सकते हैं यूजिंग सम एजेंट्स लाइक एक्टिवेटेड चारकोल। द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ योर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस इज इन द एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की एब्जॉर्प्शन पे ही वो प्रिंसिपल वर्क करता है। आपके पास एक क्रोमैटोग्राम होता है जिसपे आप कॉलम होता है जिसमें आप अपना सॉलिड इनकॉर्पोरेट कर देते हो, जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। कॉलम को आपने पैक कर लिया फॉर एग्जाम्पल चारकोल से एंड यू रन अ लिक्विड सैम्पल इनटू इट जिसमें आपके कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने सेपरेट करना है। वो लिक्विड कंपोनेंट आपके सॉलिड बेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा एंड योर कंपोनेंट्स जो मेरे लिक्विड में प्रेजेंट है ए एंड बी डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेफरेंस फॉर द सॉलिड। सॉलिड की क्या प्रेफरेंस है फॉर ए एंड बी, कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है ए और बी को, वो दोनों पार्टीशन हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल द एब्जॉर्प्शन ऑफ बी इज मोर देन योर ए, तो अगर आप नीचे से पास कर रहे हो योर बी विल बी कंसंट्रेटेड ओवर हियर, इनिशियली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा थी, ए विल बी कंसंट्रेटेड ओवर हियर। सो यू कैन ईजिली स्क्रैप ऑफ दीज टू सर्फिसेस, इनको सर्फिसेस को स्क्रैप करके यू कैन रिमूव कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी फ्रॉम योर सॉलिड, है ना, उसको वापस पार्टीशन करके रिमूव आउट कर सकते हो। सो दीज आर द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ योर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। नेक्स्ट, वॉट आर द लिमिटेशंस ऑफ योर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। कुछ ऐसी जगह होगी, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन हो रही है एंड वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन एट दैट पर्टिकुलर केस। द फर्स्ट थिंग इज, हमने बात की कि आपकी सॉलिड लिक्विड एब्जॉर्प्शन एज एन एंटीडोट एक्ट कर सकती है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, बट वो टेंडेंसी हमारे सॉलिड की और लिक्विड की हर जगह बराबर रहेगी? कई बार क्या होता है, वही एंटीडोट, फॉर एग्जांपल हमने एक्टिवेटेड चारकोल एक इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर किया, कुछ ड्रग्स के केसेस में फॉर एग्जांपल एल्कलॉइड्स, स्टीरॉइड्स एंड प्रोमेथाजीन, ये क्या करती हैं, अगर ये मैंने एडमिनिस्टर की हुई थी इसके साथ मैंने एक्टिवेटेड चारकोल एडमिनिस्टर कर दिया, ये ड्रग्स मेरी जीआईटी टिश्यू में जाने की बजाय, अब्जॉर्ब होने की बजाय, दे विल प्रेफर कि ये मेरे एक्टिवेटेड चारकोल पे अब्जॉर्ब हो जाए। सो द फ्री ड्रग विच इज प्रेजेंट इन माई ल्यूमेन विच कैन गेट अब्जॉर्ब इन टू माई जीआईटी, उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, कम ड्रग मेरी अब्जॉर्ब होगी तो ये ड्रग अपनी एफिकेसी भी कम शो करेगी। ये तो बात हुई जब हम एक्टिवेटेड चारकोल के साथ एडमिनिस्टर करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ एंड एसिड प्रिपरेशंस हम ओवर द काउंटर हमें मिल जाती हैं, एंड एसिड प्रिपरेशन विदाउट नोइंग सम इंटरैक्शंस, यू माइट हैव स्टडीड और डिटेल में आप पढ़ोगे भी इंटरैक्शंस बिटवीन द टू डोजेस, है ना। हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की, कुछ मैं ओवर द काउंटर लेके खुद लेनी स्टार्ट कर देती हूँ, बट इन सम केसेस देयर आर सम इंटरैक्शंस बिटवीन द
टू ड्रग्स जो आप साइमल्टेनियसली ले रही हो। यहाँ किसी डॉक्टर ने आपको इनमें से प्रिस्क्रिप्शन दी, प्रिस्क्राइब की मेडिसिन, एंड बिकॉज ऑफ सम सिम्टम्स आप एंटीसिड प्रिपरेशन एज ओवर द काउंटर ले रहे हो, तो क्या होता है आपकी एंटीसिड प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड उसमें होगा या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होगा, दीज कैन एक्ट एज अ बेस ऑन विच योर ड्रग्स कैन गेट एब्जॉर्ब। अब डॉक्टर ने तो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिंस दी हैं, आपकी ट्रीटमेंट के लिए उसने बेस्ट मेडिसिन दी है, बट बिकॉज ऑफ योर निग्लिजेंस आप एक न्यू मेडिसिन उसमें इंक्लूड कर रहे हो जो उसके साथ इंटरैक्ट कर रही है और उसकी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन आपकी ड्रग की इन योर ल्यूमन को रिड्यूस कर रही है। उससे आपकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से वो आपको नहीं मिलते, एंड वॉट यू विल फील कि आपका ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है। बट द बेसिक लाइन जो रीजन है इसका वो ये है कि आपकी मेजर अमाउंट ऑफ ड्रग बिकॉज ऑफ योर निग्लिजेंस एब्जॉर्ब हो गई है ऑन द एंटीसिड प्रिपरेशन विच इंक्लूड योर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ठीक है बच्चे, तो इस तरह की कंडीशंस में इट विल एक्ट एज अ लिमिटेशन फॉर अस। सेकेंड मेजर थिंग इज, कई बार क्या होता है कि इफ़ यू माइट हैव सीन सम प्रिपरेशन हम ऐसे कंटेनर्स में रखते हैं जिसमें रबर क्लोजर्स होती हैं, दैट रबर एक्ट्स एज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट और वो अपने में बहुत कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज सम प्रिजर्वेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। आपने अपनी प्रिपरेशन में एक प्रिजर्वेटिव डाला और प्रिजर्वेटिव से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी फॉर्मुलेशन को स्पॉइल होने से बचाए ड्यूरिंग योर स्टोरेज, बट बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ योर प्रिजर्वेटिव ऑन द रबर क्लोजर जो आपने इमेजिन भी नहीं किया था, यू हैव चेक द इंटरेक्शन विद योर ड्रग एंड अदर कंपोनेंट्स इन द प्रिपरेशन, बट योर प्रिजर्वेटिव इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पैकिंग मटीरियल, आपकी पैकिंग के मटीरियल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया ऑन स्टोरेज ऑन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या होगा, बिफोर यू यूज योर प्रिपरेशन विल बी स्पॉइल्ड, क्योंकि जो इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव कंसेंट्रेशन थी मेरी मेडिसिन में वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। सो हेयर ऑल्सो योर लिक्विड इज गेटिंग एब्जॉर्ब ऑन योर सॉलिड सर्फेस इज योर रबर एंड लिक्विड इज इन योर प्रिपरेशन, जो आपने सिरप जो आपने इमल्शन उस बॉटल में डाली थी दैट इज योर लिक्विड एंड योर एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन योर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ठीक है बच्चे, सो दीज टू आर द लिमिटेशंस इन योर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस।